मैम की कहना चाहूंगी जेड़ा कंपटीशन करवाया जा रहा है जी, किस तरह अगला पाकिस्तान समागम करवाया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे पे, की कहना चाहूंगे अपने विचार में थोड़े। कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके जी, और ये कहना चाहूंगी कि मैं फिजिकली हैंडी बट दिमाग के तौर से नहीं है, इसलिए कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। हां जी, मैं अपने बहुत ही आदरणीय दीदी नारी शक्ति को सशक्त करना, क्योंकि अगर इस तरह के संस्कार है, परिवार है, अगर कितने बच्चों की चाहे उन्होंने परवरिश का मामला आ जाए, चाहे समाज की डिवेलपमेंट की गल आ जाए, तो वो मैं कहनी हूँ 100% जो कोऑपरेशन है वो वूमेन का है, क्योंकि वूमेन ही एक ही डायमंड वेलफेयर सोसायटी वालों एक अज ही उपराला किया गया, खास करके जो वूमेन एक्टिव वूमेन है उसकी अज इनकोना 400 वूमेन ऑनर किया गया, सारिया ही बड़िया खुश ने, खास करके 11 वो वाली वूमेन जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के खास अचीवमेंट की है, उन्होंने भी इतने वूमेन ऑफ बठिंडा अवार्ड के नाल सम्मानित गया। बहुत ही अरमन प्यारे और बहुत ही शुद्ध गायकी वाले जेडे कि लगातार लंबी हेक दे विच उन्हां दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं गल कर रही हूँ गुरमीत बाबा जी की, जो साढ़े विच पहुंचे ने अज, बहुत ही बड़े हादसे तो गुजरे ने, थोड़े दिन पहला कैंसर के नाल उन्हां दी बेटी दी जिहड़ी है इस दुनिया च नहीं रही, लेकिन फिर भी इस नारी शक्ति प्रोग्राम का सम्मान करते हुए उन्होंने तगड़े जिगरे नाल के आन के साडा मान बताया, मैं उन्होंने बहुत स्वागत करती हूँ। तो नाल ही नारी शक्ति का एक होर मिसाल साढ़े विच एक्स कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मीकांत चावला जी, जो इन्होंने अभी कैबिनेट दीदी भी कहने वो साढ़े विच पहुंचे ने, नारी शक्ति के उन्होंने विचार जो औरतों के बीच है काफ़ी हौसला बुलंद कर रही थी। तो मैं एक बार फिर उन्होंने सबनों कहनी हूँ कि नारी का सम्मान करो तो बठिंडे की शान को होर बताओ। थैंक यू सो मच। शिशु को फांसी हो रही है, पर क्या आगे कातलों को फांसी होगी ना, देशद्रोहियों को फांसी होगी ना, क्या कातल खत्म हो गए तो देशद्रोही खत्म हो गए। मेरा ये कहना है, अगर आपने इस ऋषि में बात की, स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुरू किया था गुरुकुल परंपरा, भगवान राम भी गुरुकुल में गए थे, कृष्ण भी गुरुकुल में गए थे, वो नौजवान लड़का लड़की पहले 15-20 साल शिक्षा केंद्र में बिता के आएगा, सात्विक संस्कृत शिक्षा लेगा और फिर सड़कों पर इस तरह का अपराध नहीं करेगा कि किसी के पीछे भागे, शराब पी के नाचे या नशे करे या देश को बेचे। तो संस्कार देने के लिए हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है कि हमारी शिक्षा पद्धति बेहोले की है, डायर की है, हिंदुस्तान की नहीं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।